अव्वल में भारत ने मारी बाजी तो लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने किया पलटवार। पहली पारी में पिछड़ने के बावजूद गेंद से दूसरी पारी में जबरदस्त कमबैक करते हुए इंग्लैंड ने भारत को थमाई हार और सीरीज को किया एक एक से बराबर। तो दोस्तों, आखिर कैसे दूसरे एक दिवसीय मैच में अच्छी स्थिति में होने के बावजूद भारतीय टीम को करना पड़ गया हार का सामना, जानने के लिए देखिए हमारा ये रिपोर्ट। दोस्तों, पहला एक दिवसीय मुकाबला शानदार अंदाज में जीतने के बाद रोहित ब्रिगेड एक दिवसीय सीरीज जीतने के इरादे से ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में उतरी थी। मुकाबले में भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था और गेंदबाजों ने उनके इस फैसले को सही साबित भी कर दिखाया था, जहाँ पहली पारी में तो युजवेंद्र चहल और बाकी के गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया था, लेकिन दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजी ऐसी लड़खड़ाई कि फिर उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया। आपको बता दें, पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम ने लगातार दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड की पारी 50 ओवर से पहले ही ढेर कर दी थी। हालांकि इंग्लैंड के लिए शुरुआत में जेसन रॉय और जॉनी बैरिस्टो के बीच 41 रनों की साझेदारी हुई, पर जैसे ही 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने रॉय को 23 के निजी स्कोर पर बाहर का रास्ता दिखाया, यहां से भारतीय टीम ने मुकाबले में अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। बैरिस्टो और रूट ने दूसरे विकेट के लिए 35 गेंदों में 32 रनों की साझेदारी की, पर यहां से स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपनी फिरकी का कमाल दिखाना शुरू कर दिया और सबसे पहले उनके फिरकी के जाल में इन फॉर्म जॉनी बैरिस्टो फंसे और 38 रन बनाकर बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। वहीं इसके फौरन बाद इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट को 11 के निजी स्कोर पर LBW आउट कर चतुर चालाक चहल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि 82/3 होने के बावजूद भारत के लिए खतरा पूरी तरीके से टला नहीं था, क्योंकि अभी इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर, बेन स्टोक और विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन का विकेट लेना अभी बाकी था और यहां एक्सपीरियंस्ड मोहम्मद शमी ने एक शानदार गेंद डालकर विरोधी कप्तान बटलर की गिल्लियां बिखेर दी। बटलर केवल 4 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड बैकफुट पर दिखाई देने लगा। हालांकि स्टोक ने एक एंड से चहल के ऊपर आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए रिवर्स स्वीप के जरिए 2-3 चौके बटोर लिए, पर जैसे ही इंग्लैंड ने 100 का आंकड़ा पार किया, चहल को एक और रिवर्स स्वीप लगाने के चक्कर में स्टोक भी 21 रन बनाकर चलते बने और 102 पर आधी इंग्लिश टीम पवेलियन पहुंच गई। हालांकि यहां से लिविंगस्टन और मोइन अली के बीच 6 विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन अभी इंग्लैंड की पारी संभल ही रही थी कि हार्दिक पांड्या के ओवर में ताबड़तोड़ चौके और छक्के की बरसात करने के प्रयास में लिविंगस्टन भी सेट होने के बाद आउट हो गए और 148 पर इंग्लैंड को 6वां झटका लगा। यहां से टीम इंडिया के पास इंग्लैंड को 200 से कम रनों के अंदर आउट करने का सुनहरा मौका था, लेकिन मोइन अली और डेविड विली ने 62 रनों की अहम साझेदारी करके भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोनों ने 30 से 40 ओवर के दरमियान अपनी टीम को कोई और नुकसान होने से बचाया और इंग्लैंड 200 के पार पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि ये साझेदारी भारत को और तकलीफ देती, यूजी चहल ने आकर अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे मोइन अली का बड़ा विकेट लेकर टीम को राहत दिलाई। मोइन 47 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद आउट हुए, लेकिन डेविड विली डटे रहे और उन्होंने 49 गेंदों में 41 रनों की बेहतरीन पारी खेली, पर अंत में जसप्रीत बुमराह ने आकर इंग्लैंड के निचले क्रम को चलता किया और भारत ने लगातार दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को 50 ओवर से पहले ही ऑल आउट कर दिया। लेकिन इस बार मेजबान टीम ने बोर्ड पर 246 रनों का सम्मानजनक स्कोर लगा दिया था। पहली पारी तक जहां सभी भारतीय फैंस टेंशन फ्री होकर ये मान चुके थे कि भारत आसानी से 247 के लक्ष्य का पीछा कर लेगा, लेकिन दूसरी पारी शुरू होने के पहले 10 ओवर में ही इंग्लैंड ने टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेलना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के दोनों बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रईस टॉपले और डेविड विली ने आते ही पलटवार कर दिया। खासतौर से टॉपले ने शानदार गेंदबाजी कराई और पहले रोहित शर्मा और शिखर धवन दोनों भारतीय सलामी बल्लेबाजों को सस्ते में पवेलियन भेजकर टीम इंडिया को दोहरा झटका दिया। यहां भारतीय टीम ने बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करते हुए 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव की जगह ऋषभ पंत को प्रमोट किया, लेकिन टीम मैनेजमेंट का फैसला पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ, क्योंकि पंत खाता खोले बिना एक फुल टॉस पर सीधे मिड ऑन पर एक आसान सा कैच थमा बैठे। हालांकि विराट ने अपनी पारी में शुरुआत में 2-3 अच्छे शॉट जरूर लगाए और तब ऐसा लगा कि शायद आज कोहली एक बड़ी पारी खेलने में कामयाब होंगे,
पर डेविड विली ने ये संभव होने नहीं दिया। उन्होंने विराट को 16 के निजी स्कोर पर बाहर का रास्ता दिखाया और 31 रन पर 4 विकेट गंवाकर भारतीय टीम मैच में काफी पिछड़ चुकी थी। यहां से वापसी करने के लिए टीम को एक साझेदारी की दरकार थी। हालांकि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने थोड़ी देर के लिए विकेट गिरने का सिलसिला जरूर रोका। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 42 रनों की साझेदारी निभाई, लेकिन इससे पहले कि ये पार्टनरशिप टीम को जीत के करीब ले जाती, टॉपले ने एक बार फिर टॉप क्लास गेंदबाजी दिखाई और शानदार लय में चल रहे सूर्या को 27 के स्कोर पर पवेलियन पहुंचाकर टॉपले ने 73 रनों पर ही आधी टीम को ढेर कर दिया। अब भारत के लिए हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के रूप में आखिरी उम्मीद बची हुई थी। दोनों बल्लेबाजों ने 27वें ओवर में भारत को 100 के पार पहुंचाया, लेकिन ऑफ स्पिनर मोइन अली की गेंद को स्टैंड में पहुंचाने के चक्कर में हार्दिक पांड्या 29 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि इसके बाद थोड़ी देर के लिए मोहम्मद शमी ने जडेजा का साथ निभाकर आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट जरूर पैदा की, लेकिन फिर टॉपले के आगे शमी भी फेल हो गए और 28 गेंदों में 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रही सही कसर लियम लिविंगस्टन ने रविंद्र जडेजा के स्टंप्स बिखेर कर पूरी कर दी। जडेजा 29 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ भारत का आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गया। यहां से सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई थी। उस पर रईस टॉपले ने पहले यूजी चहल को बोल्ड कर मैच में अपना पंजा खोला और फिर उसी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को चलता कर भारत की पारी मात्र 146 रनों पर ही ढेर कर दी। 6 विकेट लेकर टॉपले ने अकेले दम पर ही मुकाबला इंग्लैंड को 100 रनों से जिता दिया, जिसके बाद 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में इंग्लैंड ने 1-1 की बराबरी कर ली है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया से कहां चूक हुई, अपने जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्रिकेट इन इंडिया को।